बहुत ज़रूरी है कि जो नशे के विरुद्ध की आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। हमारा जो यूथ है उसको ये पता चले कि ये प्रॉब्लम कैसे उनको ही अफेक्ट कर रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि अवेयरनेस कैंपेन जगह जगह हो, और आज का जो एफर्ट है वो इसी डायरेक्शन में है कि अवेयरनेस जाए, हर घर तक जाए, क्योंकि सिरसा और इलाहाबाद यहाँ समस्या भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा ये स्टेट एक्शन प्लान का भी हिस्सा है कि हम हर गांव को, हर वार्ड को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को जोड़े, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पर हम काम करें। तो आज का एफर्ट अवेयरनेस के साथ साथ डी एडिक्शन के लिए लोगों को, खास करके यंगस्टर्स को मोटिवेट करना, उनके फैमिलीज़ को मोटिवेट करना, एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो आके ट्रीटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट भी हम उनको देना चाहेंगे, जो भी आ जाएंगे उनको ट्रीटमेंट भी देना चाहेंगे। तो आज का प्रयोजन ये है कि अवेयरनेस भी हो और ये भी पता चले कि इसका सॉल्यूशन भी है, इसमें ट्रीटमेंट भी मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा जो ओपीडी, जिनकी समस्या केवल ओपीडी से सॉल्व हो सकती है, उनको ओपीडी में चेक करके उनकी दवाइयाँ दी जाएगी। और अगर तो सीरियस हमको लगता है कि डॉक्टर्स को लगता है, जो हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हैं, कि इनको एडमिट करके या डी एडिक्शन सेंटर्स में ले जाके ट्रीटमेंट देनी है, तो उनको फिर वैसे ट्रीटमेंट। ये अगर कोई सोचे कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में सब कुछ ख़त्म होगा, ये समस्या इतनी गंभीर है और इतनी फैली हुई है कि इस पे लगातार आपको, हमको, सरकार को और सभी सभी विभाग जो इसके साथ जुड़े हैं, जो स्टेट एक्शन प्लान है जो मुख्यमंत्री महोदय ने 26 जून को जिसको लॉन्च किया, और जिसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उस स्टेट एक्शन प्लान में एक योजना दी है। ये एक दिन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, इस तरह के आयोजन से अचानक की स्थितियाँ नहीं बदलती, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी, आवाज़ तो उठानी होगी, आवाज़ तो पहुँचानी होगी। इसलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं कि लोगों को पता चले पहली बात की समस्या है, ये भी पता चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। ये भी पता चले कि एक राज्य की कार्य योजना बन के तैयार है, जिसमें हर गांव, हर विलेज, हर स्कूल जुड़ने वाला है, सरकार के 18 विभाग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही इनडेप्थ, और इसका जो कुछ भी डेटा है, हमारे पूरे स्टेट एक्शन प्लान में 55,000 ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, और वो हमारे एनसीबी के सॉफ्टवेयर में आके उसका एनालिसिस होगा। सभी केमिस्ट जो दवा बेचते हैं वो, उनका मॉनिटरिंग वहाँ से भी उनको पता चलेगा कि क्या बिक रहा है, उनको भी एक ऐप के ज़रिए हम जोड़ रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के बहुत ही गहराई से इस प्रॉब्लम को समझ के प्लान बनाया है। तो उस गहराई तक जाने के लिए और वो डाटा कलेक्ट करके फिर उस पर काम करना, ये एक लड़ाई है, ये एक दिन का काम नहीं है।